अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन कराम, इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और हर दिन की अपडेट के लिए आप बेल बटन दबाकर हमारे साथ ताउन फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सूरह अनआम में अल्लाह तबारक व तआला साफ कह रहा है, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون। देखो, याद रखो, जिन्होंने ईमान को कबूल किया, ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म के साथ न मिलाया, वही हिदायत याफ्ता हैं। तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, कौन आदमी जुल्म नहीं करता, हर किसी के हाथ से कुछ ना कुछ जुल्म हो ही जाता है, फिर तो कोई हिदायत वाला नहीं बना। कहा कि नहीं, यहां आम जुल्म मुराद नहीं है, यहां जुल्म से मुराद, तुमने हजरत लुकमान की बात नहीं सुनी, सूरह लुकमान में अल्लाह ने क्या कहा, इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। आदमी आदमी को मारा, जुल्म है, लेकिन वो जुल्म नहीं है जहां यहां मुराद है इस आयत। आदमी आदमी पे क्या है, तान किया, आदमी आदमी पे क्या है, ज्यादती की, जुल्म है, लेकिन वो जुल्म यहां मुराद नहीं है। कायनात का सबसे बड़ा जुल्म वो है जो रब के साथ किसी को शरीक करना है, शिर्क है। तो फरमाया कि अल्लज़ीन आमनू वलम यलबिसु ईमानहुम बिज़ुल्म, जो ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म के साथ न मिलाया, का मतलब है शिर्क के साथ न मिलाया, कभी शिर्क न की जिंदगी में, उलाइक लहुमुल अमन, उन्हीं के लिए क्या अमन सुकून है, वहुम मुहतदून, वही हिदायत याफ्ता, वही जन्नती हैं। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फकद हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नत व मावाहुन नार, जिन्होंने भी जिंदगी में कभी भी शिर्क किया और तौबा ना की, मर गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में लिख दिया अपना फैसला, फकद हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नत, हमने उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी है और जहन्नम उसका ठिकाना है। ये बात कभी बदलने वाला, तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बात कभी नहीं बदलती। दो मरतबा निसा में फरमाया कि इन अल्लाह ला यग़फिर अन युश्रक बिह व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। दूसरी जगह फरमाया इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिह व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा हर गुनाह चाहे तो माफ़ कर दे, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। जो कोई शिर्क करेगा वो बहुत दूर की गुमराही में निकल गया। दूसरी जगह फरमाया कि वमन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, इसने बहुत बड़ा झूठी बात, बहुत बड़ा गुनाह का किरदार अदा किया, हम माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह की बात तो बदलती नहीं, तो किसी के लिए माफ़ी नहीं, हत्ता कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के लिए भी माफ़ी नहीं मिली। अबू तालिब के लिए अल्लाह के रसूल ने दुआ किया तो साफ कह दिया गया, मा कान लिन नबी वल्लदीना आमनू, नबी के लिए सजावार नहीं, ईमान वालों के लिए भी सजावार नहीं, अयुश्रिकू, मा कान लिन नबी वल्लदीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली कुरबा मिन बाद मा तबयन लहुम अन्नहुम असहाबुल जहीम। नबी के लिए, मुसलमानों के लिए सजावार नहीं कि वो इस्तग़फ़ार करें मुशरिकों के लिए, खा वो तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तुम्हारे चचा ही क्यों ना हो। अल्लाह के रसूल, आप अबू तालिब के लिए इस्तग़फ़ार भी नहीं कर सकते, साफ कह दिया गया आप नहीं कर सकते, वो क्योंकि मुशरिक मरे, 50 साल साथ देने वाले चचा, जन्नत तो बहुत दूर की बात है, इस्तग़फ़ार नहीं कर सकते। नबी, नबी के लिए रोक दिया गया, मा कान लिन नबी वल्लदीना आमनु, ईमान वालों के लिए भी रोक दिया गया, अयस्तगफिरु लिल मुशरिकीन, का तुम्हारे कोई भी हो, बाप हो, माँ हो तुम्हारे, अगर मर गए शिर्क पर तो इस्तगफार नहीं कर सकते। तो इतनी संगीन तरीन बात कही गई,